हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। मैं हूं आपकी योगा पार्टनर, आपकी होस्ट पूजा, और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। चेहरे की सुंदरता या फिर फेस के स्किन को टाइट करने के लिए योग की मदद ली जा सकती है। समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां पड़ना तनाव और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली का कारण होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस ये एक बहुत ही मुख्य प्रमुख कारण माना जाता है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसा योगाभ्यास, कुछ ऐसी प्रैक्टिस जो हमारे लूज हुए स्किन को, फेस के स्किन को टाइट बना देती है। इन योगाभ्यास की मदद से हमारे सिर और फेस का जो एरिया है वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से प्राकृतिक रूप से हमारी स्किन ग्लो करने लगती है और हमारी जो फेस की स्किन है वो टाइट रहती है। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास, आज के कुछ ऐसे एक्सरसाइज जो हमारी फेस की स्किन को टाइट करने में हमारी हेल्प करेंगे। पहला एक्सरसाइज है, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक पेन लेके बैठना है अपने साथ, हमें पेन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमारा पहला एक्सरसाइज जो है वो होल्डिंग पोज करके है। तो होल्डिंग पोज में हम क्या करेंगे, अपने पेन को उठाएंगे। आप एक नॉर्मल साइज का पेन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल साइज का आप पेन ले सकते हैं। और हम क्या करेंगे, हम अपने नोज के और लिप्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे हम इस पेन को होल्ड करके रखेंगे और पूरा एक्यूप्रेशर जो है वो हमारे इस वाले एरिया में आएगा और हम पेन को पकड़ के रखेंगे। तो चलिए देखते हैं होल्डिंग पोज को कैसे करना है। हम पाउट करेंगे, पाउट करके हमें यहाँ पे बीच में पेन को होल्ड करके रखना है। 10 सेकंड तक होल्ड करके हम फिर से रिलैक्स करेंगे। इस चीज़ को हमें 3 सेट में करना है, 10 10 10, मतलब टोटल 30 सेकंड्स में हमारा ये होल्डिंग पोज जो है एक्यूप्रेशर का वो हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक और बार आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। पाउट करके 10 सेकंड के बाद फेस को बिल्कुल रिलैक्स करना है, बिल्कुल टेंस्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम 3 सेट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा वो सेम ही है, हम सेम ही पोजीशन में पेन को पकड़ने वाले हैं, बट हमारी जो नेक है गर्दन को इस तरह से पीछे ड्रॉप करके हम सीलिंग की तरफ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा बैकवर्ड होल्डिंग पोज। पेन को इस तरह से रख के पाउट करके रिलैक्स एंड डाउन। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे गर्दन के मतलब नेक के यहाँ पे सैगिंग लाइंस आ जाती है। आपको बहुत बार महसूस होता होगा कि जो कट्स है या फिर यहाँ की स्किन जो है वो कई लोगों की टाइट नहीं होती, बहुत लूज़ हो जाती है। जिनको थायराइड है या फिर जो लोग ओबेसिटी से परेशान है उनको नेक के यहाँ पे बहुत ही लूज स्किन या फिर एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ रहता है। तो इसके लिए ये जो मैंने सेकेंड एक्सरसाइज आपको बताई, बैकवर्ड होल्डिंग पोज, ये बहुत ही लाभदायक है। मैं एक और बार आपको करके बताऊंगी इसको पेन के साथ कैसे करना है। गर्दन को पीछे ड्रॉप करेंगे और पेन को यहाँ पे पकड़ के पाउट करेंगे। आज का हमारा तीसरा एक्सरसाइज है ओ पोज। ओ पोज में क्या करना है, हम अपने मुंह का ओ बनाएंगे, हम अपने माउथ से ओ बनाएंगे और सिर्फ हमें अपने माउथ से एक्सहेल और इनहेल करना है। हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट के लिए नाक का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं आज, हम सिर्फ मुंह से हवा को अंदर भरेंगे और फिर बाहर करेंगे। रिलैक्स फर्स्ट। किसी भी चीज को हम जैसे सक करते हैं वैसे ही हम, या फिर बर्फ का गोला हो वो, जैसे हम उसको सक करते हैं वैसे ही हमें अपने चेहरे का ओ बनाना है, अपने माउथ का ओ बनाना है। यहाँ से लेके पूरा
यहाँ तक हमारी जो स्किन है वो बहुत ही प्रेशर फील करेगी हम जब ओ बनाएंगे तो, और उसके बाद हम एक्सहेल और इनहेलेशन करने वाले हैं। रिलैक्स, ये चीज़ भी हम 10-15 सेकेंड्स तक कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ कर सकते हैं टाइमिंग को, जैसे कि 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, बट इसमें हम 3 सेट ज़रूर करेंगे। आप कितना भी टाइम करो उसका जो टाइम स्लॉट है वो कैसे भी रखो, 15 सेकेंड्स का रखो, 20 सेकेंड्स का रखो, पर हमें हर एक चीज़ को 3 सेट में करना है। हमारे चौथे एक्सरसाइज में क्या है, पेन को ही होल्ड करना है, पर अभी हमने पेन को पहले बाहर होल्ड किया था, अभी हम अपने माउथ में पेन को होल्ड करने वाले हैं और पूरे फेस की जो मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रेच करने वाले हैं। पेन को इस तरह से 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद हम फिर से पेन को निकालेंगे और पूरे फेस को रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर देखते हैं पेन होल्डिंग एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया 10-10 सेकेंड के स्लॉट में आपको 3 सेट इसके करने हैं। हमारे फेस में 57 मांसपेशियां होती है, नर्व्स होती है, जिनको स्ट्रेच करना, एक्टिव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने अभी जो एक्सरसाइजेस आपको बताए एक्यूप्रेशर के या फिर स्ट्रेचिंग के, इसकी वजह से उसमें एक एक्टिवनेस आ जाता है, जो टॉक्सिन्स है, डेड सेल्स है, वो हमारे फेस से बाहर निकल जाते हैं। हमारा आज का आखिरी एक्सरसाइज है जिसका नाम है फिश पोज एक्सरसाइज। फिश पोज एक्सरसाइज हम बचपन में, आपने अगर पता नहीं किया है तो नहीं, बट मैंने तो किया है बचपन में। ये हम मज़े के लिए, फ़न के लिए करते थे, अपने मुंह का एक फिश जैसे शेप बना के हम कुछ ऐसा टीज करते थे लोगों को। तो ये एक्सरसाइज एक्चुअली हमें स्किन टाइटनिंग के लिए आज हेल्प करने वाली है। तो हम देखते हैं फिश पोज को कैसे करना है। हम अपने चिक्स को पूरे अंदर की तरफ इस तरह से पुश करेंगे, प्रेस करेंगे, और फिर हमारे मुंह का, लिप्स का एक शेप बनाएंगे फिश के जैसा। आपको यह 10 सेकेंड करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेस महसूस होगा, या फिर आप थोड़े इनकम्फर्टेबल भी हो सकते हैं, यहाँ पे दर्द भी हो सकता है फेस में, पर 10 सेकेंड का टाइम ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हमें सिर्फ 3 सेट करने हैं इसके, और ग्रेजुअली आप टाइम बढ़ा भी सकते हैं इसका अगर आप कंफर्टेबल है तो। एक बार फिर देखते हैं फिश पोज एक्सरसाइज। स्किन के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव तरीके हम अपनाते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स और सर्जरी, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसकी वजह से हम सुंदर दिखना चाहते हैं या फिर अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। पर ये एक बहुत ही आसान तरीका है, माना कि थोड़ा उसके लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी लगती है, पर ये एक नेचुरल और प्राकृतिक तरीका है जिसकी वजह से हम अंदर से हमारी स्किन जो है वो हेल्दी कर सकते हैं, हमारे फेस पे वो ताजगी ला सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप अगर ये फेस योगा जो है, जो अभी मैंने रूटीन बताया स्किन टाइटनिंग के लिए, वो अगर आप कंसिस्टेंटली या फिर रेगुलर डेली बेसिस पर करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द 1-1.5 महीने में फ़र्क नज़र आएगा आपके स्किन में। हमारे जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो कभी कभी एज के साथ साथ या फिर पोल्यूशन और ऐसे तनाव, स्ट्रेस, इन चीज़ों के साथ साथ बहुत लूज़ हो जाती है, तो उसको टाइट करना ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारा सारा जो खेल है वो एक्सप्रेशन के ऊपर होता है, हमारे फेस के ऊपर होता है, तो फेस को तो अच्छा रखना पड़ेगा हमें। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप फेस योगा डेली बेसिस पर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इसे ट्राई करके अगर आप में कुछ फ़र्क महसूस होता है तो भी मुझे इसमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर कुछ भी क्वेरी हो या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी।
तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे एंड नमस्ते।